भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मनीष सिसोदिया के साथ ही सत्येंद्र जैन ने भी पद से इस्तीफा दिया। दोनों का इस्तीफा सीएम केजरीवाल ने मंजूर कर लिया है। सिसोदिया 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर है। मनीष सिसोदिया ने 3 पन्नों का इस्तीफा भेजा है। सिसोदिया ने लिखा है कि 8 साल तक ईमानदारी से काम किया, मेरे ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं, ये कमजोर और कायर लोगों की साजिश है, मेरे मन में जेल जाने का कोई डर नहीं, लाखों बच्चों की दुआएं मेरे साथ हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद जल्द ही दिल्ली सरकार में 2 नए मंत्री बनाए जाएंगे। पार्टी ने कहा दिल्ली के काम प्रभावित ना हो, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका इससे पहले मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर हम सुनवाई नहीं कर सकते हैं, कोई घटना दिल्ली में हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये सारी बातें पहले दिल्ली हाईकोर्ट के सामने क्यों नहीं रखते। दिल्ली शराब घोटाले पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी का बयान, कहा दिल्ली को सिसोदिया ने नशे की नगरी बना दिया, स्कूल के बच्चों को भी दुकानों पर शराब दी जा रही थी, आम आदमी पार्टी की करतूत हम दिल्ली के घर घर तक पहुंचाएंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, कहा मनीष सिसोदिया का घर खोद लिया लेकिन कुछ मिला नहीं, सिसोदिया पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक अडानी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल सरकार पर वार, कहा मनीष सिसोदिया ने शराब व्यापारियों को होने वाला मुनाफा 2% से 12% तक पहुंचाया, केजरीवाल के बचने के रास्ते बंद हो गए, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा ही। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर वार, कहा आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचारियों की एक टीम बन गई है, इनके 11 लोग जेल के अंदर। उमेश पाल हत्याकांड पर एसटीएफ का एक्शन, एसटीएफ ने आरोपी गुलाम की पत्नी को गिरफ्तार किया, गुलाम की पत्नी से एसटीएफ कर रही है पूछताछ, प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा, उमेश पाल हत्याकांड में वकील सदाकत निकला साजिश को रचने का मास्टरमाइंड। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी सदाकत का सामने आया पॉलिटिकल कनेक्शन, अखिलेश यादव और बीजेपी नेता के साथ फोटो सामने आने से सियासत गरमाई। आरोपी सदाकत ने पूछताछ में बताया साजिश का प्लान एमबी हाउस हॉस्टल में रची गई थी हत्या की साजिश, पुलिस के मुताबिक सदाकत के कमरे में हत्या का प्लान तैयार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट वेबिनार को संबोधित किया, संबोधन के दौरान मोदी कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों पर बरसे, उन्होंने कहा पहले की सरकारों ने विकास नहीं किया था, हमारी सरकार को लोग अवसर के तौर पर देख रहे हैं। पीएम ने कहा सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, अमित शाह के आवास पर हुई बीजेपी के नेताओं की बैठक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। यूपी बजट पर अखिलेश का योगी सरकार पर वार, कहा कई विभाग हैं जिनमें बजट में 25% भी खर्च नहीं किया गया, अखिलेश ने देश में जातीय जनगणना की फिर से मांग की। आरजेडी नेता राबड़ी देवी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा बिहार में लालू यादव से डरे इसलिए परेशान कर रहे हैं, राबड़ी ने कहा वो हमें बांधना चाहते हैं, हम ना बांधने वाले हैं ना डरने वाले हैं, 30 साल से हमें परेशान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आज से कांग्रेस का बड़ा सियासी अभियान, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत आम लोगों के बीच पहुंचने की योजना, राज्य में पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी। मुंबई में प्याज किसानों को उचित मूल्य ना मिल पाने के लिए के बाद एनसीपी विधायकों का प्रदर्शन, विधान भवन के बाहर एनसीपी विधायकों ने प्रदर्शन किया, एनसीपी विधायकों ने गले में प्याज की माला पहनी तो किसी ने टोकरी में प्याज उठाया, विधायकों ने सीएम शिंदे और फडणवीस के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में दूसरा आतंकी ढेर, एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकी मार गिराए गए, एनकाउंटर में 1 जवान शहीद 1 घायल, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। दिल्ली में बेखौफ बदमाश, बाहरी दिल्ली के रणहौला इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई।